नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। न केवल लालू प्रसाद यादव की बल्कि पूरे लालू परिवार की मुश्किलें अब बढ़ सकती है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सहित तेजस्वी यादव मीसा भारती को भी अब कोर्ट में पेश होने को कहा है। जी हाँ, अब लालू प्रसाद यादव को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। लैंडफॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, जहां पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। इस चार्जशीट में सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब केस पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले गुरुवार को सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 3 रेल अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मिल गई है। रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉक्टर पीएल बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन मिली है। वहीं लालू प्रसाद यादव पर केस चलाने की इजाजत पहले ही गृह मंत्रालय ने दे दी है। लैंड फॉर जॉब मामले में ये पूरी तरह से नया केस है। पुराने केस में पहले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर है। नए केस में भी तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 12 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलाने की अनुमति मिल चुकी है। 1 महीने पहले सीबीआई ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब केस में ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। सीबीआई के मुताबिक उनकी तरफ से लालू यादव के अलावा रेलवे में 3 अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी गई थी, जो मिल गई है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे, इसीलिए गृह मंत्रालय से अनुमति लेना जरूरी था। 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने पद पर रहते हुए परिवार को जमीन ट्रांसफर के बदले रेलवे में नौकरियां दिलाई थी। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि रेलवे में की गई कई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप थी, और यही कारण है कि अब जो ताजा मामला है वो तेजस्वी यादव को भी उसमें आरोपी बनाया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि वो भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देते हैं, तो अब बीजेपी इसे लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर भी हमलावर दिख सकती है। और जिस तरीके से नया आरोप जो है वो लगाया गया है तेजस्वी यादव के खिलाफ, तो इस केस में अब क्या नया मोड़ आता है ये भी एक देखने वाली बात होगी। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।